हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वीत एंड आज मैं आप लोग के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल एंड वर्सेटाइल मेकअप लुक है। ये आप एथनिक और वेस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले ले रही हूँ बायोटिक का हनी वाटर फॉर पोर टाइटनिंग टोनर एंड देन मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोजिप सीरम, वन ऑफ माई बेस्ट एंड फेवरेट सीरम। सो या मैं इसको एज अ प्राइमर यूज़ करूँगी बिकॉज मेरे पास प्राइमर नहीं है, ख़त्म हो गए। सो ये विद इन सेकेंड में आपको ये ग्लो प्रोवाइड कर देता है और आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है, यू कैन सी द ग्लो गाइस। आई जस्ट लव दिस सीरम, हाईली रिकमेंड करूँगी मैं। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बेज। ये मैट फिनिश फाउंडेशन है, सो ऑयली स्किन गर्ल्स कैन गो फॉर इट। मैट फाउंडेशन है इसलिए मैंने वो रोजिप सीरम लगाया है। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का कंसीलर इन द शेड 20 सैंड। ये मीडियम कवरेज है दोनों गाइस, फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों मीडियम कवरेज देते हैं। ये हाईलाइटिंग कंसीलर है। अंडर आइज, नोज एंड अपर लिड पर मैंने ये अप्लाई करा है एंड ब्लेंड कर रही हूँ। गाइज आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, जब तक वो पूरा अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाता तब तक आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। एज यू कैन सी माई बेस इज वेरी 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 फ्लॉलेस, सो सीरम भी बहुत अच्छा है। वो ब्लेंड 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 करते रहो बस। एंड देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टेक ओर्के का कॉम्पैक्ट इन द शेड आइवरी व्हेन यू वरी एंड उसकी हेल्प से मैं अपना बेस और बेस सेट कर लूँगी। एंड देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ हुडा ब्यूटी की न्यू न्यूड पैलेट एंड उसमें से ये 3 शेड लूँगी ब्राउन। लाइट 2 कलर से मैं अपनी क्रीज बिल्डअप करूँगी। एज यू कैन सी बहुत ही लाइट करना था मुझे क्योंकि लेडी संगीत का फंक्शन था एंड बहुत ही लाइट करना था और डे टाइम फंक्शन था ना, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट करा है। ओवरडन नहीं करा मैंने, कोई शिमर यूज़ नहीं करा, मैट मेकअप था बिल्कुल। देन मैंने एक डार्क ब्राउन की हेल्प से अपना पूरी लीड पर अपना डार्क ब्राउन कलर अप्लाई कर लिया। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैक का ब्लश इन द शेड मोका एंड ये बहुत ब्यूटीफुल सा पिंक, कोरली पिंक, बहुत लाइट पिंक कलर का ब्लश है। सो या एंड ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, एज आई टोल्ड यू कि डे टाइम फंक्शन था। एंड मैं आई मैजिक की 35 आई शेडो पैलेट की से हाईलाइटर शेड लेके हाईलाइटिंग कर रही हूँ बस नोज एंड चीक बोन, इनर कॉर्नर्स, ब्रा बोन। ब्राउन बहुत अच्छी लग रही थी इससे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाईलाइटिंग शेड है। सो एंड मैंने बहुत ही हल्की करी है क्यूपिड्स बो पर। एंड फिर मैंने यहाँ पे लिया है शुगर की लिपस्टिक ली थी बट वो बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक थी, वॉश ऑफ कर रही थी मेरे को। तो मैंने ये हुडा ब्यूटी की मेटल मेड शेड लेकर, ये कौन सा है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो या ये पीची टोन में था तो अच्छा लग रहा था एंड मैंने फॉल्सेस लगा ली हैं एंड दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक। एंड या गाइज आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर